सोलन शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद ने नगर परिषद सोलन में भाजपा के चल रहे सियासी ड्रामे पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सोलन में भाजपा समर्थित नगर परिषद है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा पार्षद अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। यही नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप भी अपने अध्यक्ष पर लगाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इसकी शिकायत अपने शीर्ष के नेताओं को भी की है। अंकुश सूद ने कहा कि ये नगर परिषद में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी नगर परिषद पार्षद अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। इस मौके पर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि नगर परिषद में भाजपा पार्षदों और अध्यक्ष के बीच काफी समय से खींचतान चली हुई है। पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि अध्यक्ष नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस आपसी लड़ाई में जनता लगातार पिसती जा रही है। भाजपा के पार्षद खुद ही नगर परिषद को भंग करने की बात कह रहे हैं, जिसके लिए वे अपने शीर्ष के नेताओं को नगर परिषद अध्यक्ष की शिकायत भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस लड़ाई के चलते बेहद खामियाजा भुगत चुकी है, लेकिन अब वह कुछ महीनों बाद होने वाले चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के अपने ही पार्षद अध्यक्ष पर उंगली उठा रहे हैं और नगर परिषद को भंग करने की बात कह रहे हैं, तो नगर परिषद अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है कि जहां कुछ ही चंद महीनों के बाद नगर परिषद सोलन का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है, तो अब वहाँ पर जनता के चुने हुए भाजपा समर्थित प्रतिनिधियों को, पार्षदों को अब जाकर कमेटी की कमियां नज़र आ रही है। तो अब सरकार द्वारा नामित किए गए पार्षदों को भी नगर परिषद के अध्यक्ष में खोट नज़र आ रहा है। बड़ी हद है कि जब 5 साल तक इसी नगर परिषद की कार्य प्रणाली से जनता, सोलन की जनता त्रस्त रही, ना पानी की सुविधाएं, ना सड़कों की सुविधाएं हम लोगों को अच्छी तरह से दे सके, तब तक ये पार्षद सोए रहे। आज पता नहीं कौन सी गुफा में से ये पार्षद बाहर निकले और अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलकर बैठ चुके हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि ये वही बात है कि इनकी आपसी खींचतान चली है, कौन सी गुटबाजी चली है, जिस गुटबाजी को अब ये व्यक्तिगत रूप में भी लेकर आ चुके हैं और एक ही व्यक्ति के ऊपर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, परंतु आप नहीं जागे। आप कब जागे? जब अब 3 महीने के बाद नगर परिषद के चुनाव हैं। अब आपके जागने का कोई फ़ायदा नहीं है, जनता जागरूक है, जनता ने आपको मौका दिया, आपको सरकार ने नामांकित करके मौका दिया, परंतु आप जनता की समस्याओं को उठाने में नाकामयाब रहे और एक दूसरे की ही टांग खींचने में लगे रहे, जिसका भुगतान जो है सोलन की आम जनता को करना पड़ा। आप ना तो यहाँ पर पार्किंग को जो है वो सस्ता कर सके, पार्किंग की अच्छी सुविधाएं सोलन शहर को दे सके, ना ही कोई बाथरूम से रिलेटेड कोई अच्छी सुविधाएं हमारे शहर को दे सके। आप क्या करते रहे? आप 5 साल तक एक दूसरे से खींचातानी करते रहे। और बड़े हद की बात है कि मैं नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए भी कहना चाहूँगा कि ऐसे अध्यक्ष जी को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जहाँ पर उनके खिलाफ लोगों के द्वारा चुने हुए, मैं तो नाम लेकर कहना चाहूँगा, वार्ड नंबर 7 से हमारे पार्षद मुकेश वर्मा कितनी बार उन नगर परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा दे चुके हैं, कभी पानी को लेकर या कभी प्राइवेट संस्थाओं को पानी को देकर, और अब जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो भी उनके खिलाफ आ चुके हैं। तो मुझे लगता है उनको तो वैसे ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़े हद की बात है, प्रदेश में सरकार इनकी है, मुख्यमंत्री इनके हैं, शहर के अंदर नगर परिषद इनकी है, अध्यक्ष इनके हैं, और फिर भी ये काम करने की बजाय, अपने काम गिनाने की बजाय, जब 4 महीने के बाद इलेक्शन है तो अपने काम गिनाने की बजाय ये एक दूसरे की जो है वो टांग खींच रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं करने दिया, इन्होंने भाई भतीजावाद किया, इन्होंने ठेका इसको दिया, इन्होंने ठेका इसको दिया। जनता को इन बातों से कोई लेना देना नहीं, जनता तो ये चाहती है कि आपको जब उन्होंने चुन के भेजा तो आपने उनके लिए क्या किया। और मेरे को लगता है इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास और उनके पार्षदों के पास इस समय नहीं है, पर जनता के पास इसका जवाब जरूर है, जो आने वाले समय में जनता उन्हें जरूर देगी।